संसद में महिला आरक्षण बिल के बाद में लगातार एक के बाद एक मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोनिया गांधी ने आज मोर्चा संभाला और सोनिया ने कांग्रेस की तरफ से जब बोला तो उसको अब जो है वो एक नए सिरे से देखा जा रहा है कि जिस तरह से 2004 में सोनिया गांधी ने अडवाणी और अटल से सत्ता को छीना था, तो क्या उसी तरह से सोनिया एक बार फिर से एक्टिव होंगी? सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज हुई है। एक और बड़ी चीज ये हुई है कि कल जब संविधान की कॉपी सबको दी गई, सब सांसदों को दी गई, तो उसके अंदर से सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द गायब बताए गए और सोनिया ने उसको लेकर भी आज प्रतिक्रिया दी। जब वो सामने आई पत्रकारों से जब बात किया तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रस्तावना के अंदर, संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसके अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी ने यह मामला कल उठाया था, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज सोनिया ने जो बोला उससे कहीं ना कहीं 2004 की तरह 2024 की ट्यून जो है सोनिया गांधी सेट करती हुई दिखाई दी। एक मुद्दा जिसको लेकर के कल जब ये बिल जो रखा जा रहा था उस वक्त में कांग्रेस का लग रहा था कि इस पर स्टैंड क्या होगा क्या नहीं होगा, असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी। लेकिन सोनिया गांधी ने आज साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि ये बिल, इसका समर्थन हम करते हैं, बिल लागू भी होना चाहिए, लेकिन इस बिल के अंदर एससी एसटी और ओबीसी उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और यहीं से 2024 के चुनाव के लिए अब जो है वो मान करके चलिए कि दोनों तरफ लकीर खिंच गई है। अब तय नरेंद्र मोदी को करना है, जो खुद ओबीसी के नाम पर ढोल पीटते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, देश की संसद में आज सोनिया गांधी बोल रही थी और उन्होंने साफ कह दिया कि ओबीसी तो आरक्षण होना चाहिए। क्या कहा सोनिया ने जरा सुनिए। सोनिया ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का बहुत मार्मिक क्षण है, पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव जी ही लाए थे, जिसका नतीजा यह है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास में 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव जी का सपना अब तक अधूरा ही पूरा हुआ है, वह इस बिल के पारित होने के साथ ही पूरा होगा। दूसरी जो बात कही है ओबीसी वाली, जो बात ये देखिए, पिछले 13 वर्षों में भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार करती रही हैं, अब उन्हें और इंतजार करने को कहा जा रहा है। क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए और इसके साथ ही जातिगत जनगणना करवा करके एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ में घोर नाइंसाफी है। मैं कांग्रेस की तरफ से मांग करती हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्द लागू किया जाए। ये जो एक लाइन है, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, इस एक लाइन में सारा पेच फंसा हुआ है। और यहीं से जो है वो 2024 के चुनाव के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ओबीसी के मुद्दे पर अगर नरेंद्र मोदी को घेरती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास में जो बीजेपी के द्वारा तय अभी एक जो नया वोट बैंक तैयार किया गया, जिसको लाभार्थी वोट बैंक भी कह देते हैं, जिसको ओबीसी, जिसमें एक बड़ा तबका है, अगर वो उसमें से छिटक जाता है और कांग्रेस उसमें से सेंधमारी कर देती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोनिया गांधी ने आज जो कहा है, हिंदी में बोली है, वो सुनना चाहिए। 8 मिनट की पूरी वीडियो है, आगे मैं आपको सुनाऊंगा उनका पूरा, आज की जो लोकसभा की स्पीच रही वो पूरी आगे आप सुनिएगा। लेकिन संविधान को लेकर के जो हंगामा खड़ा हो गया है उसको जरा पहले देखिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कल जब मैं संविधान की जो नई प्रतियां पढ़ रहा था तो मुझे ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द नहीं मिले। ये उनकी तरफ से कहा गया कि संविधान की जो कॉपी हमें मिली है उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया। कल जो है जो कॉपी मिली है उसका ये प्राइमल का पहला पन्ना आप देखिए, और इसके अंदर जो है ये पुराना पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं, पुराना प्राइमल का जो पहला पन्ना है, इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्द हैं, जबकि नया जो कल जो संविधान की कॉपी दी गई उसके अंदर ये दोनों शब्द नहीं है। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार सेकुलर शब्द को लेकर के जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं,
बार बार उसके कई सारे जो समर्थक हैं वो हिंदू राष्ट्र की तमाम सारी चीज़ों का जो है वो समर्थन करते रहे हैं। तो क्या वाकई अब जो है जिस तरह से पूरा हंगामा चल रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, इसको लेकर के मोदी सरकार जो संविधान बदलने की बात पहले एक मोदी जी के ही जो है वो अर्थशास्त्री जो एक सलाहकार रहे उनकी तरफ से आई थी, तो क्या उस पिच पर जो है वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही है और टेस्टिंग का दौर चल रहा है कि कितना जो है वो लोग इस पर विरोध करते हैं नहीं करते हैं, क्या वो इसमें मसला है? हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो दोनों शब्द हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, ये जो दोनों शब्द हैं ये जब पहला संविधान की कॉपी बनी थी उस वक्त में ये नहीं थे, बाद में जो है वो संशोधन करके जोड़े गए 1976 के अंदर जो है ये जोड़े गए। और अधीर रंजन चौधरी ने इसी बात को कहा कि हम अगर उनसे बहस भी करेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि ये तो पहले था ही नहीं, ये तो बाद में जोड़ा गया है और हमने जो कॉपी दी है वो मूल कॉपी दी है आपको, ये यानी कि जो संविधान की जो पहली कॉपी थी उसको आपको दिया है। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि जब संशोधन हो गया और किसी चीज़ में बदलाव कर दिया गया और उसकी नई प्रतियां आप छाप रहे हैं, उसकी नई कॉपी जो है आप छपवा करके बंटवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें वो जो बदलाव किया गया संशोधन किया गया है वो छपना चाहिए। क्या कहीं पर कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं पर जो है वो किसी चीज़ में बदलाव कर दिया जाए और उसके बदलाव के बाद में जो है वही सेम टू सेम जो है चीज़ें रखी जाए, जैसे प्रयागराज कर दिया गया है इलाहाबाद का नाम, अब जो है वो कोई नया कोई छपवाता है कुछ बुकलेट वगैरह छपती हैं या कुछ और जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज को लेकर के कुछ और सामग्री जो है बांटी जाती है, तो उसमें वो आज की डेट में अगर कुछ छपता है तो जाहिर सी बात है उसमें इलाहाबाद नहीं उसमें प्रयागराज लिखा जाएगा। लेकिन क्या मोदी सरकार इतनी भी नहीं जानती है या इन सब चीज़ों के जरिए धीरे धीरे जो है वो टेस्टिंग का दौर चल रहा है? आप सोनिया गांधी को सुनिए, सोनिया गांधी आज जो है उसी पुराने तेवर में नज़र आई और धीरे धीरे उन्होंने एक तरह से जो भाषण के अंदर जो है वो गुस्सा या आक्रोश नहीं दिखा बल्कि परिपक्वता के साथ में जो है वो सोनिया गांधी ने टून सेट करने की कोशिश की कि महिलाओं की आप जो है वो ज़्यादा परीक्षा ना लें, भारत की महिलाएं खास तौर पर जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर के विदेशी मूल की महिला होने का जो है वो आरोप मढ़ा जाता है, संबित पात्रा टाइप के जो लोग हैं वो बार बार जो है वो सोनिया गांधी को गलत गलत नामों से बुलाते हैं, तो उन सब को लेकर के सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं और उसके बाद में जो लकीर खींचने का काम किया है ओबीसी के नाम पर, वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक वाकई जो है वो आने वाले दिनों में चिंता का सबब बनने वाला है। अब सवाल यही है कि सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण इसमें उसका प्रावधान किया अगर इसको लागू करती है तो इसका असर क्या होगा और फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति वो किस तरह से रहेगी? सोनिया गांधी को आप सुनेंगे तो उसकी झलक जो है वो जरूर दिखाई देगी, सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाजत दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में कड़ी हुई। धुएं से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अधिक रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना
नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने अपने आंसुओं, खून पसीने सींच कर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय,
स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद।